हेलो दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं, लोग बात करते हुए कहते हैं हमारा देश महान कैसे होता है। इस तरीके से अपना घर तो हम साफ कर लेते हैं और अपने घर से निकलते ही मैं सारे कूड़े रोड पे खाली प्लॉटों पे फेंक देते हैं। हमारा घर मतलब साफ हो गया। अपने घरों से निकल कर जब हम बाहर आते हैं तो वही हमारा कूड़ा खुद हम देखने को मिलता है। अपना घर तो हम साफ करते हैं ताकि कोई मेहमान आए वो भी खुश हो जाए, हम भी अच्छे से रहें, सफाई से रहें। जो हमारे देश में कोई बाहर से मेहमान आ रहा है उन्हें क्या इफेक्ट करता है उसके बारे में हम नहीं सोचते। हर वीक यहाँ से जाता हूँ मैं, हर वीक देखता हूँ यहाँ पे 7-8 गाय, कभी कभी 12-13 गाय इसी कूड़े को खाती रहती हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी लोगों से बात भी किया, उसी लोकल एरिया में 8-9 लोगों से बात किया मैंने, तो लोग कहते हैं मैं नहीं फेंकता। जो म्यूनसिपैलिटीज़ वाले होते हैं वो खुद फेंकते हैं, जब वो खुद कूड़ा कर रहे हैं तो सफाई कैसे कर रहे हैं। अब मैं दो तीन बुजुर्गों से मिला आज की बात है, अब वो कहते हैं कि भाई आप स्टूडेंट हो, आप लोग मोर्चा निकालो, उस लोगों को लेकर आओ और सफाई करो। वाओ, व्हाट अ सॉल्यूशन, आई वाज अमेज्ड टू हियर दिस फ्रॉम देम। अब वो भाई साहब 60 साल के थे या फिर ऊपर ही होंगे, ये सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप कुछ लोगों को लेकर या सफाई की, ये नहीं दे रहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, हम पूरा फेंक ही क्यों रहे हैं। Thank you.